हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव कॉमर्स में। तो आइए चलिए हम देखते हैं आज क्या है हमारे वीडियो में। आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए है, हम ब्लैंकेट्स को कैसे फोल्ड कर सकते हैं। तो उस फोल्डिंग के मैं तीन तरीके बताऊंगी, तो आप प्लीज मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने फोल्ड किया है इसे। आप फेंकिए चाहे कुछ भी करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लीज मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ब्लैंकेट्स लिए हैं, तीन ब्लैंकेट्स लिए हैं मैंने। आपको तीनों ब्लैंकेट को मैं तीन तरह से फोल्ड करके दिखाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक वन की तरफ। ये देखिए, मैंने ब्लैंकेट को डबल कर लिया है जैसे नॉर्मली हम फोल्ड करने टाइम करते हैं, और इसे नीचे से मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। और फिर हम दूसरे तरफ को भी सेम उसी तरह से फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख देंगे। तो हमें पहले नीचे एक हाफ साइड में फोल्ड करनी है और फिर हमें ऊपर उसके ऊपर रख देना है। और आप देख सकते हैं ये नीचे एक हाफ फोल्ड लगी हुई है पहले से। अब बाकी के ब्लैंकेट को हम कुछ इस तरह से रोल करना शुरू कर देंगे, और कम्प्लीटली एंड तक आप रोल कीजिए और फिर उसे हम टर्न करेंगे। और बैक साइड से कुछ हम इस तरह से बाकी के पोर्शन को, कंबल को हम अंदर डालना शुरू कर देंगे इस पोर्शन के। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये अंदर चला गया है। ये ऑलमोस्ट एक मसनन की तरह काम करेगा आपको। आप चाहे तो पिलो की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, या फिर सजावट के लिए भी आप रख सकते हैं रूम में, अगर आप दो चार ब्लैंकेट रखते हो। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, और बहुत ही आराम से आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी वो नहीं बिगड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा ट्रिक है। तो ये इस तरह से मैंने फिर से ब्लैंकेट को हाफ ऑफ किया है, और ये एक के ऊपर हम एक साइड से फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से टर्न करके आपको दिखाया है। इस तरह से हमने एक फोल्ड लिया है, और दूसरी तरफ से उसके ऊपर हम फिर से एक फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ अब हम स्ट्रेट रखते हैं ब्लैंकेट को, और एक साइड से थोड़ा फोल्ड करेंगे, और दूसरी तरफ से भी कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर जो ब्लैंकेट की है, हम उसके अंदर बाकी के सारे ब्लैंकेट्स को अंदर कर देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। आपको फोल्ड भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप इसे कहीं भी रखें, किधर भी रखें बेड पे, ये कभी भी नहीं बिगड़ेगा। चाहे बच्चे भी बेड पे जंप करें, कूदे, ब्लैंकेट नहीं बिगड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारी सेकेंड ट्रिक थी। ये देखिए, मैं इसे दिखा रही हूँ इस तरह से, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, चाहे मैं इसे कितना भी ऊपर से फेंकूँ। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने ट्रिक थ्री की तरफ। और हमारा ट्रिक थ्री सेम उसी तरह से, हम ब्लैंकेट को बीच से हाफ हाफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से कुछ मैंने इसे फोल्ड किया है, और फिर एक और फोल्ड करेंगे। ये नॉर्मल हमारी फोल्ड है, बीच से मैंने फिर से फोल्ड किया और फिर एक और फोल्ड किया। पर इसको कुछ अगर हम इस तरह से फोल्ड करें और फिर इसे लास्ट में एक और फोल्ड दें, तो आप इस तरह से ब्लैंकेट को अरेंज करके बेड पे रख सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो आपने देखा, मैंने तीन तरह से आपको ब्लैंकेट फोल्ड करना बताया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये तीन तरीके बहुत ही आसान है,
और बहुत ही इजी हैं। आराम से आप ब्लैंकेट को इस तरह से फोल्ड कीजिए और आराम से आप सजावट के लिए घर पे रख सकते हैं इसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।